डॉक्टर जाहिदुल इस्लाम है। जी सर, आप पूरा अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम डॉक्टर जाहिदुल इस्लाम है जी। मैंने दरभंगा सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज से BUMS किया है जी। और पिछले 15 साल से हम इस पद्धति में, इस चिकित्सा सेवा में जुड़े हुए हैं जी। सर, आप इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम दिल्ली में रहे। दिल्ली में वहाँ पे एक चंद्रा लक्ष्मी हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम किया जी। फिर दिल्ली के ही एक ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जी, वहाँ पे जो है वो मेडिकल ऑफिसर रहे। हाँ, हम जो है वो मध्यपुर PSC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जी मेडिकल ऑफिसर थे, हैं जी अभी भी हैं जी। सर, आपको अभी इतना दिन के अंदर में कितना अनुभव हुआ है? मान लीजिए क्षेत्रीय अनुभव है, मेडिसिन का अनुभव है, डॉक्टरेट का अनुभव है, और आप अभी समझिए कि किस विषय में, मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं अथवा अगर नहीं है तो आपका बनने का इरादा है कि आगे में आप मान लीजिए पढ़ करके विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ से भी डिग्री डिप्लोमा आप हासिल कर सकते हैं। अभी आप बहुत कम एज के हैं, बहुत तेज दरार अनुभवी और ये हैं, कुशल डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपका ये अपना हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया एकदम साफ सुथरा नेट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, सब कुछ सामने में ही है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मान लीजिए क्या आगे आपका क्या व्यू है? देखिए, हमारे पिताजी इस इलाके में लगभग 40 साल प्रैक्टिस किए और उसके बाद हम जब दिल्ली में थे तो हमसे बोले, बेटा हमारा वक्त पूरा हुआ, अब तुम आओ और इसको संभालो। इस इलाके में जो लोग हैं वो बहुत गरीब, दुबले पतले, बहुत हाँ वीकर सेक्शन के लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, आर्थिक हिसाब से भी कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे आके हमने सोचा कि इनको जो है अली नगर में ही एक ऐसी फैसिलिटीज दी जाए जिनको उनको फील हो कि दरभंगा ही में है। और इस चीज में हम बहुत हद तक सफल भी हुए। कोरोना काल में इस हॉस्पिटल ने बहुत सारे लोगों को जीवन प्रदान करने का काम किया। पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटल खुला रहा और जो भी इसमें चिकित्सक रहे उन्होंने बड़े अच्छा सेवा दिया। इस इलाके में इस हॉस्पिटल से उस दौरान बहुत फायदा हुआ लोगों को जी। और हम जब यहाँ शुरू में आए तो मेरा ये मानना था कि जो सड़क यहाँ से दरभंगा जाती है वही सड़क दरभंगा से अली नगर आती है जी। तो हमारा कहना था कि हम तब सक्सेस होंगे इस हॉस्पिटल को खोल के जब दरभंगा से पेशेंट मेरे यहाँ आए। और कोरोना काल में ही मेरा वो सपना भी पूरा हुआ कि दरभंगा से भी कई पेशेंट यहाँ आए और उनको हम लोगों ने भर्ती करके और उनको सेवा दिया। सर, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा अभी है और कितने डॉक्टर और नर्सेस? जी, हमारे हॉस्पिटल में सर ऐसा है कि लगभग 4-5 डॉक्टर हैं, उसमें ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं जी। उसके बाद सर्जरी होता है हर तरह की, उसमें भी ऑन कॉल सर्जन है जी। उसके बाद इसमें जनरल फिजिशियन है जी। उसके बाद इसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ये लोग हैं जो हफ्ते में, महीने में जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है और उनकी सेवा ली जाती है। सर, ऐसा है कि कुछ इमरजेंसी जैसे दवा, मान लीजिए जैसे कोई किसी का डिलीवरी है, औरत छटपटा रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, कुत्ता वाला तो कुछ जनरल हो गया, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, तो उस टाइम में मान लीजिए आपके यहाँ अगर वो आता है तो आप उसको क्या करते हैं, रिफर कहाँ करते हैं? जैसे देखिए, जनरली जो सांप वगैरह का केस है वो लीगलाइज नहीं है, अब उसको आपको रेफर करना है PSC लेवल पे और PSC फिर देखेगा, अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर आगे रेफर किया गया DMCH या फिर PMCH, जहाँ भी रेफर करना होता है हम लोगों के यहाँ। हाँ, एक चीज़ आपने बताया कि सर्जरी के केस में जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको अर्जेंसी में ज़रूरत है कि भाई उनको ऑपरेशन किया जाए, तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, अवेलेबल है, उनको ऑन कॉल बुला लेते हैं और वो अपना सेवा देते हैं। फिलहाल सर, अभी फिर एक बार क्लियर करें कि आपके हॉस्पिटल में किस किस चीज़ का इलाज है? हमारे यहाँ जनरल जो बीमारी है उसका इलाज चलता है,
और कुछ इमरजेंसी लोग इमरजेंसी में जो बीमार होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है और सही नहीं हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तो इन सब की सुविधाएं हैं और जी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपके हॉस्पिटल से जितने आदमी जुड़े हुए हैं या जितना जानकारी है, उसके अलावा भी चाहिए दूर दराज के जो लोग हैं, ताकि वो भी आपके हॉस्पिटल से जुड़ जाएं। जी और यही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश में आपका जो है हॉस्पिटल ऑन रिकॉर्ड हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के आदमी को, मान लीजिए अगल बगल को? मेरे मेरा यही कहना है कि देखिए, अब इस हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है कि जी आप बजाय इसके कि बाहर जाएं, जी आप यहाँ पर आके एक बार मौका दें, जी आप यहाँ पर एक बार इस हॉस्पिटल का सेवा हासिल करके देखें। यहाँ जी पे हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, सस्ते जी दामों में, कम रेट में, जी और अच्छा हम लोग दे रहे हैं। जी साफ सफाई का पूरा प्रबंध है, जी आईसीयू में एसी वगैरह की पूरी सुविधा उपलब्ध है, जी और जो यहाँ का ओटी है, जी ऑपरेशन थिएटर, जी वो एकदम मतलब पैमाने पे है, सरकार का जो नियम एक है, नियम है उसके तहत चल रहा है ये। जो तो हम देख रहे हैं बिल्कुल जी बिल्कुल साफ सफाई, जी बिल्कुल जी नेटिंग क्लीन है आपका जी हॉस्पिटल। जी जी चलिए, यहाँ एम्बुलेंस का भी सुविधा जी एम्बुलेंस की भी सुविधा है, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग एम्बुलेंस भी भेजते हैं। सर, टोटल डॉक्टर कितने हैं टोटल यहाँ पे लगभग 5-6 डॉक्टर हैं, और जो और आपसे जी 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 नर्सेस जुड़े हुए हैं, कितने हैं? और पांच नर्सेज भी लगभग 5-6 हैं। हैं, तो जी समझिए कि 24 घंटा यहाँ जी जी 24 घंटा सेवा उपलब्ध है यहाँ पे, और जी हम लोग इमरजेंसी में भी काम करते हैं और ओपीडी लेवल पे भी काम होता है, और अगर किसी को इमरजेंसी स्पेशलिटी की ज़रूरत है तो वो वैसे भी डॉक्टर्स को हम लोग अवेलेबल कराते जी हैं। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, फिर एक बार अपना सर, नंबर आपका भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को जो देखने वाले लोग हैं उनको हमारा बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हालांकि ये बात हमको पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन चलिए लास्ट में ही सही। डॉक्टर साहब, आपका मोबाइल नंबर कितना हुआ? मेरा धन्यवाद मोबाइल नंबर 8051881080 है। सर।